वादी तीरा मैदान। पुराने ज़माने में यहाँ पर बाज़ार नहीं हुआ करते थे, बल्कि मेले लगाया जाया करते थे। एक ख़ास दिन एक ख़ास इलाके के लोग एक जगह पर जमा हुआ जाया करते थे, अपना सामान निकाल कर वहीं पर ख़रीद फरोख्त होती थी और शाम तक ये ख़रीद फरोख्त जारी रहती थी। शाम को ये मेला ख़त्म हो जाया करता था। अब चूँकि छोटे मोटे बाज़ार बन गए हैं, लेकिन अभी तक मेले की रिवायत बरकरार है। तो हम इसी तरह से अपर बाज़ार में यानी कि बर बाग में इतवार वाले मेले में चले गए। यहाँ पे शहद भी पड़ा हुआ है। 500 रुपये किलो, 4500 पक्का सेर, 4500 का पक्का सेर। पक्का सेर यहाँ पे एक्चुअली 1200 ग्राम होते हैं। और जी एक तो वो होता है ना जो मतलब मुखिया वैसे फार्मिंग होती है, इसकी फार्मिंग नहीं होती है, पूरी नेचुरल। अच्छा, ये नेचुरल, ये टोटली नेचुरल है। और ये 4500 रुपये किलो आपको मिलेगा सेर। हाँ सर, यहाँ पे एक्चुअली सेर होता है ना 1200 ग्राम होता है ना, 1250। मेरे के मसाले भी बने हैं। मुशर खान आप क्या कहते हैं? ठीक है, बस हो गया, बात हो गया। तो एक्चुअली यहाँ पे ना अखरोट जो है ना दरख्तों से गुलेल के साथ तोड़े जाते हैं, तो यहाँ पे ना गुलेल के रबड़ भी काफ़ी ज़्यादा पड़े हुए हैं। इसके अलावा ये चूहे मारने वाली बाकी कीड़े मकोड़े वाली दवाइयाँ भी पड़ी हुई हैं। और यहाँ पे ये देखें अखरोट भी यहाँ पे काफ़ी ज़बरदस्त, मतलब यहाँ की सौगात है, तो यहाँ पे अखरोट भी पड़े हुए हैं डिफरेंट किस्म के। मसूद अक्सर 350 रुपये का, 300 का केजी पड़ता है। हाँ, ये एक्चुअली सेर होता है ना यहाँ पे, सेर 1250 ग्राम होता है, मतलब एक पाव ज़्यादा होता है यहाँ पे किलो में। तो ये तकरीबन 300 रुपये का किलो पड़ेगा। ले यहाँ की अपने जो है ना अखरोट हैं, तो ये काफ़ी बेहतरीन होते हैं जायके में। तो इसके अलावा देखें यहाँ पे ये फ्रूट वगैरह भी लगा है, लोकल आलू और ये लोकल पहाड़ आलू, लोकल पहाड़ी सेब। अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए इसी तरह ज़बरदस्त किस्म का मेला लगा होता है, तो क्योंकि लोग यहाँ पर आते हैं संडे वाले दिन, यहाँ पर होता है लरबाग में, तो सारा संडे के दिन के यहाँ पे बरबाग एक्चुअली बरबाग में यहाँ पे से गुजरते गुजरते इनका दिन गुजर जाता है। देखिए यहाँ पे और भी अखरोट लगे, लेकिन ये काफ़ी बड़े हैं ये वाले। ये भी देखें अखरोट, ये देखें जो पड़े हुए हैं, ये काफ़ी बड़ा है, छोटे ये भी छोटे वाले हैं, ये थोड़े से काले से हैं, मतलब पुराने वाले। नहीं नहीं पुराने नहीं है, ये अभी सूखे भी नहीं है, इतने फ्रेश हैं ये। फ्रेश हैं? अच्छा, ये इसको जो धूप में रखती है उसको सुखाते हैं, धूप में रखने के बाद सुखाते हैं। ये देखिए यहाँ पे भी अखरोट पड़े हैं, ये देखिए एक सैंपल भी रखा हुआ इन्होंने ये वाला।